नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज की वीडियो में हम जी लोन लिमिटेड शेयर का डिटेल्स में टेक्निकल एंड फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे। इस स्टॉक का प्राइस में किस टाइप का टेक्निकल चार्ट सेटअप बन रहा है एंड आने वाले टाइम में क्या प्राइस में मूवमेंट आ सकता है। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज यूजुअल किसी भी स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले या एनालिसिस करने से पहले आपको पता होना चाहिए वो जो स्टॉक है कौन सा सेक्टर से बिलोंग कर रहा है। जैसे कि जी लोन लिमिटेड जो है, इस स्टॉक का जो सेक्टर है कंप्यूटर एजुकेशन इंडस्ट्री है, कंप्यूटर एजुकेशन का। अगर आप इस स्टॉक का मार्केट कैप देखेंगे अराउंड 115 करोड़ का, जो कि एक छोटा सा माइक्रो कैप कंपनी है एंड इस कंपनी के पास जो रिजर्व कैश है नेगेटिव 14 करोड़ के आसपास। करंट प्राइस चल रहा है 3.57 एंड इसका जो बुक वैल्यू है 0.56, प्राइस टू बुक वैल्यू है 6.63 एंड जो प्रमोटर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 15%, जो कि बहुत ही लोअर साइड के ऊपर है एंड बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। क्योंकि अगर प्रमोटर का फेथ नहीं है कंपनी के ऊपर तो हम क्यों फेथ करेंगे। अगर प्रमोटर को लग रहा होगा कि कंपनी ग्रो करेगा, पहले प्रमोटर ही शेयर होल्डिंग भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि किसी भी कंपनी का मालिक पहले प्रॉफिट लेता है उसके बाद जाकर वो इन्वेस्टर को शेयर करता है। और यहाँ पे मालिक का ही फेथ नहीं है तो यहाँ पे हम क्यों उसके ऊपर फेथ करेंगे। अगर आप इसका डेप टू इक्विटी देखेंगे 25.3 बहुत ही हाई है, इंडस्ट्री पी है 118 का, लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव 37%, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न नेगेटिव 36%, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न नेगेटिव 47%। देखिए तीनों कैटेगरी में इस स्टॉक ने अभी तक कुछ रिटर्न नहीं दिया है, इसका मीनिंग है कि स्टॉक का प्राइस अभी कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अभी हम इसका क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट एक बार चेक कर लेते हैं किस टाइप का सेल्स एंड नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। देखिए मार्च 21 में यहाँ पे सेल्स था अराउंड 47 करोड़ का एंड अभी सेल्स कितना है 111 करोड़ का। सेल्स में यहाँ पे हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, सेल्स लगभग यहाँ पे डबल हो गया है, लेकिन नेट प्रॉफिट अभी उसका नेगेटिव चल रहा है। अगर आप देखेंगे मार्च 21 में इसका नेट प्रॉफिट था नेगेटिव 27 करोड़ का, लेकिन अभी देखिए नेगेटिव 300 करोड़ का यहाँ पे लॉस हो गया है। इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है लगातार डाउन हो जा रहा है। डाउन क्या हो रहा है, नेगेटिव में चल रहा है, 27 नेगेटिव, 9 नेगेटिव, 163 नेगेटिव, फाइनली अभी हाईएस्ट क्वार्टरली लॉस बुक किया है 300 करोड़ का। अभी हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं, शायद वहां पे कुछ सिग्नल मिल जाएगा कि इस स्टॉक को लेना है या नहीं लेना है। तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर होल्ड कर रहा है 15%, जो कि सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। प्रमोटर का ही फेथ नहीं है कंपनी के ऊपर, खुद का कंपनी के ऊपर। एफआई के पास यहाँ पे है 11.41%, ठीक ठाक का है, ठीक ठाक का क्वांटिटी है, लेकिन एफआई यहाँ पे शेयर होल्डिंग को डिक्रीज कर रहे हैं। डीआई के पास यहाँ पे कुछ भी शेयर होल्डिंग नहीं है एंड जो सबसे रेड फ्लैग है पब्लिक यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 73.54। अगर हम यहाँ पे बिग इन्वेस्टर देखेंगे तो बिग इन्वेस्टर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं पब्लिक कैटेगरी में, जैसे कि रतन इंडिया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के पास है 6.42% एंड L&T फाइनेंस लिमिटेड के पास है 6.8% एंड नेक्स्ट देखेंगे तो बायोमैन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास 1.52%, बिरना इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पास 1.06% एंड यहाँ पे फाइनली नराबी इंफ्रा एंड यूटिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड होल्ड कर रहा है 1% के आसपास। तो अगर आप टोटल यहाँ पे सम कर लेंगे अराउंड यहाँ पे बन रहा है 15-16% के आसपास बिग इन्वेस्टर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। अगर आप सम करेंगे 16% तो 73.5 से अगर आप यहाँ पे 16% माइनस कर देंगे अराउंड 57% के आसपास होल्डिंग हमारा जैसा रिटेल पब्लिक के पास है, जिनका होल्डिंग है बिलो 1%, क्योंकि एबव 1% शेयर होल्डिंग यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में नेम शो कर जाएगा, जो कि अभी भी हायर साइड के ऊपर है। अगर आप बिग इन्वेस्टर का होल्डिंग यहाँ पे माइनस कर देंगे फिर भी रिटेल पब्लिक का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टॉक है 57 के ऊपर, जो कि सबसे बड़ा नेगेटिव मार्क है। क्योंकि जिस कंपनी का मालिक अभी रिटेल पब्लिक के शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से, उसी स्टॉक में अगर आप एंट्री करेंगे एंड वहाँ पर अगर आपका पैसा बनेगा ना, वो बनेगा बाय लक,
ना कि बाय स्किल, जब तक कि कुछ फंडामेंटल नहीं तो टेक्निकल में टर्न अराउंड नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे सिर्फ सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, नहीं तो बाकी सब नेगेटिव है, जैसे कि हायर डेप्ट है, लगातार बड़ा से बड़ा क्वार्टरली लॉस डिक्लेयर कर रहा है, एंड इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में रिटेल पब्लिक के पास हाईएस्ट शेयर होल्डिंग है अगर सारा पैरामीटर देखेंगे, एंड इस पे इन्वेस्ट करने के बाद भी अगर आपका पैसा बनता है वो बनता है आपका बाय लॉक के हिसाब से, ना कि बाय स्किल के हिसाब से। जैसे कि हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस किए हैं कि किसी भी स्टॉक में एंट्री करने के लिए तीन तरीका है, पहला हो गया टेक्निकल, सेकेंड हो गया फंडामेंटल, थर्ड हो गया टेक्निकल प्लस फंडामेंटल। इस स्टॉक को हम सिर्फ टेक्निकल बेसिस के ऊपर ले सकते हैं क्योंकि इसका फंडामेंटल अभी के लिए कचरा है, जब इसका फंडामेंटल सुधर जाएगा तो अभी जाकर हम उसको फंडामेंटल में कंसीडर करेंगे, अभी के लिए हम सिर्फ इसका टेक्निकल के बेसिस के ऊपर देख सकते हैं कि अगर कुछ सेटअप बन रहा है तो वहां पे कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी टर्न अराउंड हो रहा होगा ना वहां पे प्राइस में इनिशियल रिफ्लेक्शन आ जाएगा, क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट तो लैटर आएगा, उससे पहले प्राइस आराम से 50-70% मूव कर जाता है, इसलिए प्राइस को फॉलो करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि जाकर अभी हम चार्ट में देखेंगे। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर। देखिए आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है ये ओपन है जी लर्न का, टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है मंथली। अगर आप इस स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस स्टॉक का जो लाइफ हाई है ना वो 50.5 के आसपास है, जो कि बना था नियरली 2070 के आसपास, उसके बाद देखिए कॉन्टिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, एंड प्राइस देखिए कॉन्टिन्यूसली अभी लोअर लो बना रहा है। देखिए अभी तक कुछ भी साइन नहीं है टेक्निकली इसमें एंट्री करने के लिए, अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो देखिए कुछ भी साइन नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा एक बार के लिए हाई रहे बनाने का। अगर आने वाले टाइम में प्राइस इस टाइप का हाई हाई बनाता है ना, जब स्विंग हाई को ब्रेक करेगा यहाँ पे एंट्री आप कर सकते हैं टेक्निकली, एंड जो स्विंग लो बनेगा एग्जिट पर। अभी के लिए कुछ भी सेटअप नहीं है, अगर आपके पास है एंड आपका अपर लेवल में एंट्री है अभी के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, इतना नीचे प्राइस में सेल करके कुछ फायदा नहीं है, आपको बाउंस देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे बाउंस मिला था, यहाँ पे बाउंस मिला था, यहाँ पे बाउंस मिला था, आपको बाउंस मिलेगा, लेकिन फ्रेश एंट्री करने के लिए आपको एक बार बुलिश सेटअप का वेट करना चाहिए, नहीं तो कम से कम वीकली टाइम फ्रेम में एक बार हमको हायर हाई बनना चाहिए, नहीं तो लोअर हाई इस टाइप का बनना चाहिए, जब प्राइस यहाँ पे उसका जो प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर देगा वीकली टाइम फ्रेम में वहाँ पे आप एंट्री कंसिडर कर सकते हैं। अभी के लिए बस आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं, ना एंट्री बन रहा है ना कि आर्ट बन रहा है। अगर है आपके पास लोअर साइड में एग्जिट करके कुछ फायदा नहीं है, जब बाउंस करेगा वहां पे क्वांटिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें सारा पैरामीटर अभी के लिए बहुत ही खराब है, जब स्ट्रक्चर चेंज होगा स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन जिनके पास है ना अपर लेवल से अभी के लिए होल्ड कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लोअर लेवल में आ गया है प्राइस, बाउंस हो सकता है, बाउंस में आपको रिड्यूस करने का मौका मिलेगा। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पाए होंगे, वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।